लक्ष्मी माता की जय, धन्वंतरि भगवान की जय, भगवान कुबेर की जय, जय माता दी। दोस्तों, मैं हूँ सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धन की देवी महालक्ष्मी और धन के देवता धन्वंतरि भगवान को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन कुछ विशेष चीजों की खरीदारी करने से घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ साथ खुशियां भी बरसती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि धनतेरस पर किन चीजों को खरीदना शुभ रहता है। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी चीजों को खरीदना बहुत ही शुभ रहता है। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि सोने और चांदी को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और चांदी चंद्रमा का प्रतीक होता है। इसलिए धनतेरस पर चांदी की बनी हुई चीजों को घर पर लाने से सुख शांति बनी रहती है, घर पर सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप धनतेरस पर सोना चांदी नहीं खरीद पाए तो किसी भी प्राकृतिक धातु से बनी हुई चीज आप खरीद सकते हैं, जैसे कि आप तांबे, कांसे या पीतल की बनी हुई चीज भी आज के दिन खरीद सकते हैं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति। दोस्तों, कुछ लोग धनतेरस के दिन सोने या चांदी की बनी हुई भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीद लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दीपावली पूजन के लिए मिट्टी की मूर्ति ही शुभ मानी जाती है। इसलिए आप भी मिट्टी से बनी हुई मूर्ति ही लक्ष्मी पूजन के लिए खरीदें। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि मूर्तियां खंडित नहीं होनी चाहिए और गणपति भगवान की मूर्ति जो भी आप खरीद रहे हैं उसमें आपको बस ये देखना है कि गणपति भगवान की सूंड दाहिनी तरफ की ओर मुड़ी हुई हो और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति कमल के फूल पर बैठी हुई पोजीशन में ही लेनी चाहिए। मूर्ति खरीदने के साथ ही आपको खिल बताशे भी जरूर खरीदने चाहिए। दोस्तों, धनतेरस की पूजा के लिए या दिवाली की पूजा के लिए आपको जो भी पूजन सामग्री चाहिए वो भी आप धनतेरस के दिन ही खरीदें, जैसे कि पूजा में काम आने वाले दीपक, रुई की बत्ती, अक्षत, कुमकुम, ये सब चीजें आप धनतेरस वाले दिन ही खरीद लें। लेकिन भूल से भी घी या तेल या तिल का तेल आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदना है, क्योंकि ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है साबुत धनिया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन जो भी साबुत धनिया खरीद कर लाता है और शुभ मुहूर्त में पूजा करने के बाद धनिये के इन बीजों को अपने घर के किसी कोने में, आंगन में या फिर गमले में बो देता है, ऐसा करने से उसके घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस पर जो सबसे विशेष चीज मानी जाती है वो है नई झाड़ू। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि झाड़ू घर की गंदगी को दूर करने के साथ साथ ही घर में फैली दरिद्रता को भी दूर करती है। इसलिए धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर खरीदें। ऐसा भी कहा जाता है कि धनतेरस के दिन विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदें। इसके लिए आप एक झाड़ू अपने घर पर रख सकते हैं, एक झाड़ू आप मंदिर में दान कर सकते हैं और एक झाड़ू आप गुप्त रूप से दान कर सकते हैं, यानी कि कहीं भी आप रास्ते में उस झाड़ू को रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आप झाड़ू खरीदकर अपने घर पर लाएंगे तो सबसे पहले शुभ मुहूर्त में उन झाड़ुओं की आपको पूजा करनी है और झाड़ू में जिस जगह पर हैंडल होता है उस जगह पर आपको सफेद धागा बांधना है और धागा बांधते समय आपको माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है कि वो आपके घर में फैली हुई दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर कर दें और साथ ही आपके घर में बहुत बरकत बनाए। आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसे दूर करने के लिए भी माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। दोस्तों, ये थी विशेष जानकारी उन चीजों के बारे में जिन्हें धनतेरस पर खरीदना शुभ रहता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें।